हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज बघेल और आप देख रहे हैं फिटिक्स। और आज मेरे पास यूट्यूब से रिलेटेड काफी सारी न्यूज है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो बढ़ते हैं पहली न्यूज की तरफ। पहली न्यूज है थारा भाई जोगेंद्र वर्सेस कैरी मिनाटी के ऊपर। दरअसल कैरी मिनाटी ने कल अपनी इंस्टा स्टोरी में कुछ शायरियां बोली थी और इसके बाद थारा भाई जोगेंद्र ने इसका गलत मतलब समझ लिया और उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपनी इंस्टा स्टोरी पे लगाई और उसमें लिखा, आने वाले तूफान का वेट कर, अब लड़ाई आर पार की होगी। झगड़ा करो लड़ाई नहीं, झगड़ा करो लड़ाई नहीं, हाथ पकड़ो किसी की परछाई नहीं। क्या बात है यार। तो गाइस बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ और ये न्यूज कोई यूट्यूब न्यूज नहीं है, ये हमारे इंडिया की आईटी कंपनी की एक बिग अचीवमेंट की न्यूज है। तो दरअसल एक कंसल्टेंसी कंपनी ने दुनिया की टॉप 10 आईटी कंपनियों की लिस्ट निकाली है, जिसमें 4 भारतीय कंपनी, 3 अमेरिकी कंपनी, 2 जापानी कंपनी और 1 फ्रांस की आईटी कंपनी शामिल है, जिसमें भारत की टीसीएस उस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है और वहीं तीसरे स्थान पर इंफोसिस कंपनी है, 7वें स्थान पर विप्रो है और 8वें स्थान पर एचसीएल कंपनी है। तो ये हमारे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ और अगली न्यूज है सौरभ जोशी से रिलेटेड। दरअसल सौरभ जोशी ने आज अपने चैनल पर एक वीडियो डाली जो कि 12 मिनट की थी और उसमें उन्होंने उन सब के बारे में बताया जो उनके साथ काफी दिनों से हो रहा था, जैसे कि लोग उन्हें काफी एक्सपोज कर रहे थे और एटीट्यूड किंग वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें बोल रहे थे। तो उन्होंने फाइनली सामने आकर एक पूरी वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने इन सब का जिक्र किया और उन्होंने ये भी बोला कि ये सारे क्रिएटर लोग ही हैं जो मुझे बदनाम करने पर तुले हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उनका मकसद सिर्फ व्यूज पाना ही है और वो मेरे घर पर आके वीडियो बनाते हैं मेरी इजाज़त के बिना। और उन्होंने उस वीडियो में काफ़ी सारी बातें करी और उन यूट्यूब क्रिएटर्स के बारे में भी इनडायरेक्टली बातें करी जो उन्हें एक्सपोज करने पर लगे हुए थे। तो देखिए सौरभ जोशी ने क्या बोला। काफ़ी टाइम से मेरे साथ में काफ़ी कुछ हो रहा है जो कि मुझे डिस्कस करना था, जिसको मैं इग्नोर मार रहा था पहले तो, लेकिन वो बढ़ते जा रहा है। ओके, काफ़ी वीडियोस वायरल हुए मेरे बारे में जो मतलब क्रिएटर्स हैं वो वीडियोस बना के जाते हैं मेरे सोसाइटी के बाहर आते हैं, मैं जाता हूँ मिलता हूँ उनसे, तो वो कुछ भी वीडियो बना देते हैं, कुछ भी नेगेटिव वीडियो कि मैं अच्छे से नहीं मिला, मेरे अंदर एटीट्यूड है, क्योंकि उनको थंबनेल तो मिल जाता है मेरे साथ में, इनको ये लिख देगा ना टाइटल में, सौरभ जोशी ने मेरे साथ में ऐसा किया, सौरभ जोशी ने ये बोल दिया, सौरभ जोशी ने एटीट्यूड दिखाया, सौरभ जोशी ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, उनकी वीडियो मतलब वायरल जाती ही जाती है। पॉजिटिव वीडियो किसी की वायरल नहीं आती जो क्रिएटर्स मुझसे मिलने आते हैं, जिनको ग्रो होना है, मुझसे बोलते हैं कि हाँ मेरा चैनल प्रमोट कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, उनको एक्चुअली मुझसे मिलना नहीं है, उनको सिर्फ व्यूज़ चाहिए। मतलब मुझसे मिलने से पहले उनका कैमरा ऑन रहता है, इवन मेरे मना करने के बाद भी उनका कैमरा ऑन रहता है, छुपके से वीडियो बनाते रहते हैं और मैं वो मना करता हूँ, वो मना करना भी डाल देता है, मतलब सब कुछ। उसने एक्चुअल में डरा हुआ है, पास्ट में भी कुछ दिनों में उसके साथ में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, लाइक एक ने उसकी ऐसे गर्दन पकड़ के ऐसे कर दिया, एक ने भीड़ में उसके ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे मरोड़ दिया, एक ने उसके ऐसे खींच, एक ने उसको ऐसे कंधे पे उठा लिया जबरदस्त, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो वो एक्चुअल में रोने लग गया था पीयूष सुरेंद्र, मेरे को भी इतने देख के इतना अजीब लग रहा था ना, वो तो डरेगा ही ना, वो थोड़ा जानता है आपको। और गाइस आपको तो याद होगा कि वजाहत हसन ने सौरभ जोशी के ऊपर कुछ दिनों पहले वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो अपने फैंस को घर पर आने के लिए मना करते हैं लेकिन तुम मेरे घर कभी भी आ सकते हो। तो सौरभ जोशी ने इस वीडियो में उनका भी रिप्लाई करा और काफी क्रिएटर्स ये बोलते हैं कि हम इनके जगह होते ना, हम तो सबसे मिलते, हम तो सबको अपने घर में बुलाते, ये तो किसी से मिलते नहीं है, घर पे आने के लिए मना करते हैं। बट आप अगर मेरी सिचुएशन में होते ना, मेरे 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपको चलता पता, हर 1 मिनट में आपके घर पे कोई आएगा ना तो आपको चल जाएगा पता, हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है, हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। और गाइज आप लोगों को तो पता होगा कि कुछ दिनों से यूट्यूब पर सौरभ जोशी और साहिल जोशी के बीच में तकरार की वीडियोस बन रही हैं और इसकी स्टार्टिंग वहां से हुई थी जब साहिल जोशी ने अपने पापा को एक स्कूटी गिफ्ट करी थी। उसी के बाद से लोग सौरभ जोशी और साहिल जोशी को कंपेयर करने लगे कि साहिल जोशी अपनी फैमिली की इतनी मदद करता है, इतनी हेल्प करता है, लेकिन सौरभ जोशी सबको हेट करते हैं और साहिल जोशी को भी अपने ब्लॉग में काफी कम लाते हैं। तो उसके बारे में भी सौरभ जोशी ने अपने वीडियो में बात करी, तो देखिए उन्होंने क्या कहा। और भाई लोग हम भाइयों के बीच में दरार पड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, साहिल और मेरे बीच में, हमको कंपेयर करके, साहिल ऐसा है, तुम बेकार हो, ये भाई यूट्यूब है, लेकिन जो हमारा रिलेशनशिप है, हमारी फैमिली है, वो सब चीज़ें अलग हैं, वो मेरे ब्लॉग में कम आता है, मैं उसको ब्लॉग में कम लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों अलग अलग हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं। तो गाइस सौरभ जोशी ने जो कुछ भी कहा उसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताना। और आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।